और कुछ नहीं भाई साहब, एक मिनट जाए खबर कर लेते हैं। एक मिनट मोबाइल पीछे
दिलीप जी, जिस तरह से एमसीसी ने तुम्हारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस दिए एनक्रोचमेंट को लेकर, आपकी ही पार्टी है, फिर ऐसा नोटिस क्यों? देखिए, किसी ने कोर्ट में केस किया हुआ था जिसकी वजह से पार्टी ने कोर्ट ने एमसी और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को पार्टी बनाया, जिसकी वजह से वो इंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए यहाँ पर आए कि रोड जाम रहता है और रोड पर इंक्रोचमेंट है। तो लोगों ने अपने आप ही 100% जो तीन टप्पर थे उनके उन्होंने उठा लिए हैं, तो अंदर जाने का मकसद ही कोई नहीं है। जब वो उन्होंने लोगों ने अपने आप ही सफाई कर ली तो अंदर जाने का मतलब कोई नहीं। मैं अधिकारियों के साथ दिखाने के लिए गया था, तो कांग्रेस ने एक अच्छी राजनीति करते हुए, जिस तरह की करते रहते हैं, क्योंकि लूटा है देश को पूरा, अब बापू धाम को लूटने चले हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के बाहर के जो नेता आए थे, यहाँ का तो कोई कार्यकर्ता है नहीं, जो बाहर के लोग आए थे उनको हमने भगा दिया है। और इंक्रोचमेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंक्रोचमेंट पूरे तरीके से ड्राइव हो चुकी है, लोगों ने अपने आप ही तोड़ लिए हैं, तो अब अंदर आने का कोई मकसद नहीं है। और अभी अभी एडवाइजर साहब से बात हुई है तो एडवाइजर साहब ने पूरे तरीके से इंक्रोचमेंट को उसको रोक दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, बापू धाम की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आगे यदि ऐसे नोटिस आते हैं तो आप इन लोगों के साथ खड़े हैं? देखिए, आगे कोई नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि लोग हमारे बापू धाम के बहुत समझदार हैं, आगे वो कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो नोटिस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे बापू धाम के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बढ़िया हैं, और इनके लिए जीने मरने की कसम खाई है। लगातार इन्होंने 3 बार जिताया है, और इसीलिए मैं जीतने के बावजूद भी यहाँ पर खड़ा हूँ कि बापू धाम की एक भी ईंट नहीं हिलने देंगे, ये हमारा संकल्प है। मुकेश राय जी, जिस तरह से आज यहाँ पे प्रदर्शन रहा है, आमने सामने कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, भाजपा का आरोप है कि सियासत कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए सर, भाजपा का मेयर है, भाजपा का काउंसलर है, सियासत सब को भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। पहले उन्होंने तोड़ने के लिए भेजते हैं जेसीबी, उसके बाद रोकने का काम करते हैं। इनका काम केवल यही है, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता 8 बजे से यहाँ खड़ा है, और हर एक कॉलोनी के मसले पे, गांव के, सेक्टर के, हर एक कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सिवा, इनके तोड़ने के सिवा और कोई काम नहीं है, कभी इस कॉलोनी में, कभी वहाँ, हर गाँव में, हर एक जगह तोड़ने के सिवा कोई काम नहीं है। और आज बताइए, इनका मेयर, इनका कमिश्नर, इनका प्रशासन, सब कुछ, उसके बाद इनको रोकने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत है? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और बेवकूफ बनाने के सिवा इनके पास और कोई काम नहीं है। दिलीप जी का कहना है कोई तोड़फोड़ नहीं थी, मैं खुद दिखाने जा रहा था, कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है। क्या दिखाने के लिए कमिश्नर साहब आ जाते, प्रशासन आता, क्या जेसीबी और वाटर कैनन की गाड़ी लेके आने की जरूरत पड़ती है? क्या जेसीबी आपके सामने आई है तोड़ने के लिए आए कि दिखाने के लिए आई है? इंक्रोचमेंट हटाने का यहाँ जो मेरा प्रोटेस्ट है, जो बापू धाम के लोगों ने अपने घरों के अंदर छोटे छोटे बदलाव किए, परिवार बड़े होने के बाद उन्होंने अगर कुछ मकान बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तोड़ने के लिए नगर निगम करे। आज का मेरा प्रदर्शन जो है वो इनके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, और नगर निगम के खिलाफ है। हमने यहाँ पर जो उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन। सर, दिलीप का कहना है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने जा रही थी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो ये गाड़ियां क्यों आ गई? देखो आप सामने, अगर ये गाड़ियां आ गई, आप उधर घुमा के देखिए, धक्के से ही नहीं चलने देंगे। चंडीगढ़ प्रशासन, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, नगर निगम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, नगर निगम वापस जाओ।